एमएस धोनी के फैंस के लिए ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि एमएस धोनी एक बार फिर से मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। अंदाज अलग होगा, किरदार भी अलग होगा। क्या होगा वो किरदार और क्या होगा वो अंदाज, वो बताएंगे आपको हम इस वीडियो में। आप देख रहे हैं R9 टीवी और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अब अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी के वापसी के बारे में, तो महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। जी, आप सभी को पता होगा जैसा कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर दिखाई नहीं दिए हैं, वो खेल से दूर चल रहे हैं। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब विकेट के पीछे खड़े होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें कि दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं, या अगर ये कहें कि विकेट के आगे खड़े हों जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब भी फैंस उनको देखना पसंद करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरने कब वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी 22 नवंबर को कोलकाता में होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच में उतर सकते हैं। और उनका किरदार क्या होगा, किरदार होगा बतौर कमेंटेटर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर कमेंटेटर उतरने वाले हैं मैदान पर। ये पूरा मामला है BCCI और स्टार स्पोर्ट्स का। स्टार स्पोर्ट्स जो कि इस मैच का ब्रॉडकास्टर है, उसने BCCI को रिक्वेस्ट भेजी है कि जो भारत में पहला डे नाइट टेस्ट होने वाला है उसमें जो भी पिछले कप्तान हैं उनको इनवाइट किया जाए और बतौर गेस्ट कमेंटेटर उनको वहां रखा जाए, और वो जो भी उनका एक्सपीरियंस है गेम के साथ, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या टेस्ट का हो, वो सारा अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। अब पूरा मामला आकर टिका हुआ है सौरव गांगुली के पर। जी हाँ, सौरव गांगुली जो कि BCCI के चीफ हैं, इस समय वो हेड हैं BCCI के, वो फैसला लेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी नए अवतार में मैदान पर उतर सकते हैं या नहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक संन्यास नहीं लिया है। तो उनकी जो बागडोर है वो पूरी तरीके से BCCI के हाथ में है। अब ये देखना होगा कि BCCI इस बात को स्टार स्पोर्ट्स को मंजूरी देती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। पर अभी तक आसार यही लग रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर दिखाई देंगे और एक नए अवतार में। अभी देखना होगा इस पूरे मामले पर अगली अपडेट क्या आती है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगी वो लेकर हम आपके बीच जरूर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल R9 TV सब्सक्राइब जरूर करें।